नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। द एब्रीवेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज सी एन डी, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज द एब्रीवेशन ऑफ द सब्जेक्ट। 22634 इज डबल टू इंडिकेटिंग दैट द आई स्कीम इज कंटिन्यू टिल 2022। 6 इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ सेमेस्टर एंड 34 इज द सीरियल नंबर। ठीक है, किस तरीके से इसका 22634 जो है वो क्या है, सब्जेक्ट कोड। डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसका यूज क्या होता है, क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट रखा गया है, तो उसका ये रैशनल और उसकी ये कॉम्पिटेंसी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। रैशनल से ये समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे रखने की वजह क्या है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, डेटा कम्युनिकेशन डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है, किसके साथ डील करता है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डिजिटल डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है किसके जरिए से, किसके, उसका मीडियम क्या होता है, एक नेटवर्क जो है उसका मीडियम होता है। नेटवर्क क्या होता है, किन चीजों से नेटवर्क बनता है, तो मेनी एप्लीकेशंस लाइक एयरलाइन रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन, ई टिकट बुकिंग जो है, फिर उसी तरीके से ई गवर्नेंस, ई बिजनेस जितने भी हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ई लर्निंग कैन बी मैनेज बाय अ सिंगल क्लिक। ये सब कुछ जो है वो एक सिंगल क्लिक से मैनेज हो जाता है, क्योंकि सब जो है वो नेटवर्क के साथ रिलेटेड है, और उस नेटवर्क में क्या एक्सचेंज होता है, डेटा जो है वो एक्सचेंज होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो डिप्लोमा इंजीनियर शुड बी एबल टू सिलेक्ट, सिलेक्ट करने आना चाहिए उनको, क्लासिफाई करने आना चाहिए, यानी फर्क करने आना चाहिए, इंस्टॉल करने आना चाहिए, ट्रबल शूट और मेंटेन डिफरेंट इंडस्ट्रियल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कोई भी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो उसको कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। क्लासिफाई करने आना चाहिए आपको अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, आपको वो नेटवर्क जो है वो इंस्टॉलेशन करने आना चाहिए, अगर इंस्टॉल्ड नेटवर्क है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको ट्रबल शूट करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर होती है। तो दिस कोर्सेस गिव्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट जो है, ये कोर्स जो है आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किसके रिलेटेड, नेटवर्क, नेटवर्क से रिलेटेड और डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये दोनों से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उसमें यूज होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है रिलेटेड फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड अनेबल स्टूडेंट्स टू मेंटेन ट्रबल शूट कंप्यूटर नेटवर्क। कॉम्पिटेंसी क्या कहना चाह रहा है, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होगा, तो आपको ये चीज हासिल होगी जो एक सिंगल लाइन में लिखी हुई है, मेंटेन कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क, सिंगल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, आपके घर में एक सिंगल डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप होगा, ठीक है, उसको मेंटेन करने की बात नहीं हो रही है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, ये नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो वायर्स के जरिए से कनेक्टेड हो या वायरलेस के जरिए से कनेक्टेड हो, या बीच में कोई एक मीडिएटर नेटवर्क हो या कोई स्विच हो या कोई ब्रिज हो जिसके जरिए से वो कनेक्टेड हो, जब भी दो मशीन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है वायर्ड, वायरलेस या कोई थर्ड नेटवर्क के जरिए से, तो वो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क सिस्टम बन जाता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वो कंप्यूटर की डेटा को, दोनों कंप्यूटर के डेटा को हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं बहुत सारे हमारे इंफॉर्मेशन जो है उसके बीच में। तो ये पॉसिबल है, एक लैब के अंदर 10 कंप्यूटर है, 10 के 10 जो है वो लाइन में कनेक्टेड है, तो आपस में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से एक ही कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस रहते हैं या कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस है, तो उनका एक सेंट्रल लेवल पे हेड ऑफिस जो है वहां पे हर ब्रांच का डेटा अपडेट होके आना कि कितना स्टॉक में है कितना नहीं है, अगर इंस्टीट्यूशन है तो कितना बैलेंस है कितना नहीं है, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, तो ये डिस्टेंस पे रहते हुए भी एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये
इन जब भी मशीन टू मशीन, नोड टू नोड, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। अभी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, 10 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर, एक ऑफिस के अंदर 5 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, उसको आपस में आपको कनेक्ट करना है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड है, कौन सी मेथड अच्छी रहेगी, किसमें वायर कम लगेगा, किसमें ट्रबल शूटिंग इजिली होगा, ठीक है। तो वो सब एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ आपस में कनेक्ट करने का जो तरीका रहता है उसको कहते हैं टोपोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो ये सब टोपोलॉजी के नाम है। टोपोलॉजी मतलब क्या? एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। हर एक तरीके का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो टेक्निक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने आना चाहिए। तो इसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या दिया हुआ था, सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कोई जगह के ऊपर ऑलरेडी नेटवर्क सेटअप किया हुआ है तो आपको उस सेटअप को देख के उसको आइडेंटिफाई करने और क्लासिफाई करने आना चाहिए कि भाई ये कौन सा नेटवर्क है। अगर आपको कोई भी टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, तो आपको वो इंस्टॉलेशन करने आना चाहिए, ठीक है। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक 3 टाइप होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 अलग-अलग तरीके के क्या है, नेटवर्क्स है। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, वो एक लैब के लिए यूज होता है, या एक फ्लोर के लिए यूज होता है, या एक कैंपस के लिए भी यूज हो सकता है अगर उस लैन को डब्ल्यू लैन में कन्वर्ट कर दे तो, ठीक है। डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नॉर्मली लैन लोकल एरिया नेटवर्क मतलब बाय डिफॉल्ट ये लैन जो है वो क्या है, वायर्ड ही रहेगा, वायरलेस रहेगा, तो वो किस आगे क्या आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता है। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब पूरी सिटी को है, पूरी सिटी के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो मैन यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, वैन यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क्स के टाइप्स है, बेसिक टाइप्स है, ठीक है। कोर्स आउटकम क्या है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या स्किल डेवलप्ड होगी तो आप मेंटेन कर सकते हो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पर एक सिंगल मशीन, सिंगल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की नहीं बात कर रहे हैं। जब एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, या दो लैपटॉप, या दो डेस्कटॉप कम से कम आपस में जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाते हैं। तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उसका आईपी कैसे असाइन किया जाए, उसका आईपी रीड कैसा किया जाए, उसका आईपी चेंज कैसा किया जाए, आईपी देख के कौन से क्लास का आईपी है वो कैसा पता किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आती है। 5 चैप्टर है इसके अंदर, तो हर चैप्टर का एक एक उसने सीओ दिया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो सीओ है वो क्या है, मेंटेन वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। वायर के जरिए से जो कनेक्ट करते हैं हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ, जब हम वायर के जरिए से कनेक्ट करते हैं तो वो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ना है हमको फर्स्ट चैप्टर में। जो मैंने आपको नाम बताया ना, बस टोपोलॉजी, रिंग, लैन, रिंग है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब वायर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन आएगा कि भाई नेटवर्क किस चीज से बनता है, नेटवर्क के अंदर कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर पे एक अलग अलग फंक्शन होता है, वो फंक्शन किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर का जो सीओ है, कोर्स आउटकम जो है वो क्या है, यूज द रिलेवेंट नेटवर्क मॉडल फॉर द स्पेसिफाइड डेटा कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो है वो 2 तरीके के, टीसीपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, एंड आईएसओ ओएसआई मॉडल। आईएसओ, आई कैपिटल आईएसओ डैश ओएसआई, ये भी कैपिटल में, ठीक है। तो ये पूरा नाम है, उसको शॉर्टकट में ओएसआई मॉडल भी कहते हैं।
ISO-OSI layer ऐसा पूरा नाम है, शॉर्टकट में उसको OSI layer भी लिखेंगे या बोलेंगे तो भी चलेगा। ये एक मॉडल है, ठीक है, ये क्या है, एक मॉडल है। और दूसरा मॉडल जो है वो क्या है, TCP/IP। TCP/IP भी क्या है, एक मॉडल है, ठीक है। जैसा एक मॉडल होता है ना, मॉडल कोई भी नेटवर्क आपको बनाना है तो उसके लिए एक मॉडल की जरूरत पड़ती है। जैसा बिल्डिंग बनने से पहले उसका एक मॉडल बना देंगे, वो बिल्डिंग बनने के बाद कैसी दिखेगी, तो उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मॉडल की जरूरत रहती है। तो ये दो जो है बहुत ही ज्यादा फेमस और बड़े मॉडल्स है, TCP/IP और OSI लेयर, ठीक है। तो उस मॉडल्स के अंदर लेयर्स होते हैं, ये दोनों भी मॉडल के अंदर क्या है, लेयर्स होते हैं। OSI के अंदर 7 लेयर्स होते हैं, TCP/IP के अंदर 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। हर लेयर का अपना अपना टास्क होता है, ठीक है, कहाँ पर डेटा जो है एनालॉग में रहता है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट होता है, फिर एरर करेक्शन होता है, फिर उसके बाद उसको पैकेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नेटवर्क में भेजते हैं, नेटवर्क में भेजने से पहले उसको आईपी लगाते हैं, आईपी लगाने के बाद उसको अपर लेयर पर भेजते हैं, फिर एप्लीकेशन पे जाता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन है हमारा, ठीक है, तो ATM मशीन सबको पता है, ऐसा तो कोई होगा नहीं अभी आप जितने भी लोग लेक्चर सुन रहे हैं कि जिसको ATM मशीन नहीं पता है, ठीक है। ATM मशीन मैक्सिमम सब लोगों को पता है और मैक्सिमम सब लोगों ने यूज भी किए रहे हैं, ठीक है। तो उसका इंटरफेस कैसा रहता है, हमारे हमको स्क्रीन के ऊपर दिखता है, ठीक है, बैंक का नाम रहता है, फिर जैसे ही हम कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो वो हमको बोलता है कि थोड़ा वेट करो, फिर वो कार्ड का डेटा रीड करने के बाद एक मेनू देता है, ठीक है, फिर वो मेनू के बाद आपको बोलता है कि आप आपका पिन ऐड करो। पिन बैंक टू बैंक सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, किसी में लास्ट में पिन पूछता है, किसी में पहले पिन पूछता है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो जैसे जैसे हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मुझे अभी बैलेंस चेक करना है तो पहले पूछेगा करंट अकाउंट है कि सेविंग है, तो सेविंग पे क्लिक करूंगा, फिर मेनू खोल के बताएगा कि आपको क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, मिनी स्टेटमेंट चाहिए कि बैलेंस चेक करना है। मोस्टली ये 4 ऑप्शन राइट साइड में रहता है, मैंने क्लिक किया बैलेंस चेक करना है, ठीक है। फिर पूछेगा कि आपको प्रिंटेड रिसिप्ट चाहिए, यस या नो, यस करेंगे तो प्रिंटेड रिसिप्ट आएगी, नो करेंगे तो खाली स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएगा कि भाई आपका बैलेंस कितना है। तो ये सब काम जो है वो जो स्क्रीन के ऊपर जो हमको जितना भी इंटरफेस दिख रहा है वो जो है वो क्या है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। जैसा कोई भी ERP सॉफ्टवेयर रहता है, बैंक के अंदर हम जाते हैं तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, जिसमें वो काम करते रहते हैं। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसका फ्रंट आपने देखे रहेंगे शायद, या आधार कार्ड अपडेट कराने गए रहेंगे तो उनकी स्क्रीन के ऊपर एक जो मॉड्यूल पूरा चलता है, तो वो क्या रहता है, एक एप्लीकेशन लेयर है। वहां पर उन लोग जो भी डेटा फीड करते हैं वो जाता है सर्वर पे, सर्वर पे फिर वो अपडेट होता है, और अपडेट होने के बाद आपको मैसेज आता है कि भाई आपका आधार जो है वो अपडेट हो गया है। फिर आप जाके उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालते हो कि ये अपडेटेड आधार है। तो स्क्रीन के ऊपर जो दिखता है ये अलग अलग जगह, मैंने बताया ATM मशीन की स्क्रीन के ऊपर, बैंक में जाते हैं तो लोग की स्क्रीन के ऊपर, या कोई भी ERP सिस्टम कोई स्कूल कॉलेज या कंपनी यूज कर रही है तो वो। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो दिखता है ना वो सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, उसके पीछे जो है वो असल पिक्चर जो है उसके पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। तो पीछे डेटा अपडेट होने से लेकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा शेयर होने तक ये सब काम जो होता है उसके लिए एक मॉडल की जरूरत रहती है। तो वो मॉडल दो टाइप के हैं, TCP/IP एक मॉडल है और OSI एक मॉडल है, समझ में आई बात। TCP/IP के अंदर 5 लेयर है और OSI के अंदर 7 लेयर, तो ये वो मॉडल की है। तो क्या बोल रहा है वो कि सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद हमको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि भाई रिलेवेंट मॉडल टीसी कौन सा एप्लीकेशन में TCP फिट बैठेगा, कौन से एप्लीकेशन में OSI फिट बैठेगा, ये हमको जज करने आना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड उसमें बता रहा है। थर्ड जो है, मेंटेन रिलेवेंट ट्रांसमिशन मीडियम एंड मॉडेम फॉर डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के लिए जितने भी ट्रांसमिशन मीडियम्स यूज होते हैं, चाहे वो कोई एक्सेल केबल हो या आपका कॉपर केबल हो या आपका फाइबर ऑप्टिक हो, ठीक है, तो उसका कनेक्टर है, उसके पिन कितने हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका
डेटा कैपेसिटी कितना है, कितना डेटा वो केबल कैरी करता है, जैसे कोएक्सियल केबल कितना एमबीपीएस लेके जाता है, फाइबर ऑप्टिक कितना एमबीपीएस डेटा को कैरी करता है वो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम है, ये सब क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है, ये वायर ट्रांसमिशन मीडियम है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा तो माइक्रोवेव रहेगा या रेडियो फ्रिक्वेंसी रहेगी, ठीक है, ये सब वायरलेस या डब्ल्यूएलएन रहेगा, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ है, ये भी वायरलेस है, ठीक है, आपका आरएफआईडी है वो भी वायरलेस है। तो ये सब ट्रांसमिशन मीडियम से वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। उसके लिए कुछ हार्डवेयर भी यूज होता है, जैसे अभी वायरलेस है तो आपके मैक्सिमम लोगों के घर में वाईफाई लगा हुआ, तो वाईफाई को इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं, ठीक है, पावर लगाना है, फिर वो बाहर से एक वायर आती है वो उसमें लगाना है, ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा, फिर उसको कॉन्फिगर करना पड़ता है, वो कॉन्फिगरेशन कैसा करना रहता है, अगर वो बराबर चल नहीं रहा तो उसको रिसेट कैसा करना है, उसको ट्रबल शूट कैसा करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए से कौन से कमांड्स यूज होते हैं, ठीक है, वाईफाई के अंदर भी एटी कमांड्स यूज होते हैं, जैसे हमने लास्ट सिलेबस में, लास्ट सेमेस्टर में हमने एमडब्ल्यूसी में कैसा एटी कमांड्स के प्रैक्टिकल किए थे, वैसे वाईफाई को भी हैंडल करने के लिए, चेक करने के लिए एटी कमांड्स यूज होते हैं, तो वो कौन से एटी कमांड्स हैं, ठीक है, तो ये सब हमको आना चाहिए। चैप्टर का ये मकसद है। फोर्थ चैप्टर, एनालाइज एरर डिटेक्शन करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जब डेटा जाता है तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस है, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, या एक मशीन से दूसरे मशीन में जाता है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वहां पर एरर डिटेक्शन, अगर एरर है कि नहीं है पहले ये फाइंड करो, डिटेक्शन का काम, बीमारी को पहले डायग्नोज करो कि मलेरिया हुआ है कि टाइफाइड हुआ है, ब्लड टेस्ट कराता है ना डॉक्टर, पहले क्यों कराता है वो, उसको पहले डिटेक्ट करता है, डायग्नोस करता है, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देने के लिए करता है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करने की टेक्निक कौन सी है, और डिटेक्ट होने के बाद उसको करेक्ट किस तरीके से किया जाए वो टेक्निक कौन सी है। उसके साथ साथ दूसरा चीज जो है वो क्या है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब देखो, रास्ते के ऊपर सिग्नल रहता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, सिग्नल लगाते हैं, कभी सिग्नल काम नहीं करता तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस रहती है हैंडल करने के, फ्लो कंट्रोल, फ्लो को वो मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से नेटवर्क में भी क्या रहता है, ट्रैफिक हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, रास्ता नहीं मिलता पैकेट को जाने के लिए, जैसे हमको रोड के ऊपर बाइक या कार लेके जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, उसी तरीके से नेटवर्क में, नेटवर्क के अंदर भी पैकेट को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहां पे भी फ्लो कंट्रोल करने की जरूरत रहती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कभी कोई कोई वेबसाइट है वो बहुत स्लो रहती है, बहुत लोड होती है, बहुत लोड होती है, उसका सर्कल जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का सर्कल जो है वो घूमते ही रहता है, तो ट्रैफिक कंजेशन वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है वहां पर, या तो लिंक आपकी जो है वो क्या हो गई है, फेल हो गई, यानी वेबसाइट के साथ आपका जो कनेक्शन है वो फेल हो गया है। कॉन्फिगर द नेटवर्क कंपोनेंट एंड असाइन आईपी एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क कंपोनेंट को कॉन्फिगर करना, 10 मशीन की आपने एक लैब में बस टोपोलॉजी से 10 मशीन को सेटअप किया है, तो हर मशीन को आपको, हर मशीन को आपको क्या करना है, कॉन्फिगर करना है, आईपी असाइन करना है, ठीक है, उसको नंबर असाइन करना है, और वो दूसरे मशीन के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो आपको चेक करना है, आईपी का कौन सा क्लास यूज करेंगे, कौन से क्लास का आईपी एड्रेस यूज करेंगे, कौन से क्लास में सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस मिलते हैं, या कौन से क्लास में हमको स्पेस ज्यादा मिलता है, आईपी एड्रेस कम मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो लास्ट चैप्टर के अंदर हमको देखना है। उसके बाद ये उसका एग्जामिनेशन स्कीम है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, पेपर तो भी कैसा होगा, बाकी ये 30 मार्क्स जो है वही 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट का, 20 मार्क्स जो है वो पीटीटी 102 का एवरेज, माइक्रो प्रोजेक्ट का जो लिस्ट है मैं वो आपका, आपको जल्दी असाइन करके दे दूंगा, जितने भी माइक्रो प्रोजेक्ट्स है वो नेट के ऊपर से सर्च करके उसकी रिपोर्ट बनाना है, उसमें कोई हार्डवेयर वाला है नहीं, हार्डवेयर वाले एक दो हैं मगर मैं वो असाइन नहीं करूंगा आपको, जो सर्च करके आप निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन, उसी का जो एमएसबीटी का जो फॉर्मेट है वो उसमें रिपोर्ट बना के देना है, और उसका पीपीटी बना के देना, ठीक है। 25 मार्क्स का उसका एक्सटर्नल है, और 25 मार्क्स का उसका पीए है, मैनुअल है ये सब्जेक्ट की, तो उसकी मैनुअल के 25 मार्क्स हैं, और 25 मार्क्स इसका आपका फाइनल जो एग्जाम रहेगा ओरल या प्रैक्टिकल जैसा भी होता है, ठीक है, उसके लिए। तो इस तरीके से ये 50 मार्क्स और ये 30 मार्क्स,
150 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है, जिसमें से ये 50 और ये 30 मार्क्स जो है, 80 मार्क्स जो है वो इंटरनली है, 70 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन 40 मार्क्स का होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करते हैं उसको 70 में। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं चैप्टर्स बता देता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो है नेटवर्क मॉडल्स, फिर थर्ड चैप्टर फिजिकल लेयर नेटवर्क मॉडल्स, ये नेटवर्क लेयर जो है TCP/IP, ठीक है, और OSI जो मैंने आपको नाम बताया, तो ये इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, पहला लेयर है फिजिकल लेयर, फिर दूसरा है डेटा लिंक लेयर, फिर तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर ये पांचवा है एप्लीकेशन लेयर। तो ये पहला लेयर है फिजिकल लेयर, तो ये फिजिकल लेयर के ऊपर पूरा एक चैप्टर है तीसरा। दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर, दूसरा लेयर क्या है डेटा लिंक लेयर, ये दूसरा लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर पूरा चौथा चैप्टर है, ठीक है। और फिर नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, ये तीनों लेयर जो है ये एक साथ पांचवें चैप्टर में, ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन पांचवें चैप्टर में, चौथे चैप्टर में डेटा लिंक लेयर है और तीसरे चैप्टर में फिजिकल लेयर है। तो एक एक लेयर के ऊपर एक एक आपको चैप्टर दिया है, बहुत बेसिक है ये सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड, आगे डिग्री में आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ के आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो CCNA नाम सुना होगा ना आपने, CCNA कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसके बहुत सारे लेवल है और बहुत सारे एडवांस कोर्सेज होते हैं उसमें, तो CCNA और कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक पूरी फील्ड है, एक पूरी लाइन है, वो करके आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्या कर सकते हो, इस लाइन में जाके सर्वाइव कर सकते हो, चाहे वो हार्डकोर कंप्यूटर नेटवर्क में चले जाओ, या ऑफिस के बैकएंड में चले जाओ, या टेलीकम्युनिकेशन में चले जाओ, कोई भी जगह पे आप चले जाओ, हर चीज अभी IP बेस्ड है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी जरूरी नहीं है कि दिखने में वो आपको कंप्यूटर ही सामने रहे, ठीक है, जो बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं कंपनियों के, वो सब नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं और वहां पर हर एक जगह पर नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सिलेबस और सब्जेक्ट का अपना इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, ऐसा है।